तो आपने सबसे पहले कैप कट ऐप ओपन कर लेनी है और इधर अपनी वीडियो ऐड कर लेनी है। वीडियो ऐड करने के बाद आपने ना इधर फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है। फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाके आपने ना एडजस्टमेंट पे जाके ग्राफ्स वाले ऑप्शन पे जाना है और ना इस तरह ये सेटिंग कर लेनी जैसे मैं कर रहा हूँ, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह आपने सेटिंग करनी है इसकी फिल्टर की। इसके बाद आपने ना करने के बाद आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आपने इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाके वीडियो इफेक्ट में जाना है, इधर आके लेंस में जाना है और इधर आपने ब्लर वाला इफेक्ट अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद आपने ना इसको फुल वीडियो पे अप्लाई कर देना है और एंड से ना ये जो ना ब्लैक स्क्रीन ये डल कर देनी है। इसके बाद आपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आपने ये ब्लर वाला इफेक्ट डल करना है और फिल्टर में जाकर एडजस्टमेंट वाली लेयर भी डल कर देनी है। उसके बाद आपने ओवरले वाले बटन पे क्लिक करना है और ऐड ओवरले करना है और ये वाली वीडियो आपने ऐड कर लेनी है और इसको दोनों फिंगर के साथ स्ट्रेच कर लेना है पूरी वीडियो पे। इसके बाद आपने इसके ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको बर्न कर देना है और इसकी कैपेसिटी आपने रखनी है 40%, ठीक है। 40% रखने के बाद आपने ना एक ऐड ओवरले पे फिर क्लिक करना है और स्टॉक वीडियो में जाकर वाइट कलर का ये बैकग्राउंड ले लेना है और इसको फुल स्ट्रेच कर लेना है पूरी वीडियो पे और इसको भी पूरी वीडियो पे अप्लाई कर लेना है और इसकी ओवरले कर देना है इसको, ठीक है। इसकी कैपेसिटी आपने 100% रहने देनी है और इसको फुल वीडियो पे अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपने वीडियो को सेव कर लेना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।